तो हमारे प्रेक्षकों, हमारे साथ है डॉक्टर हेमंत छाबरानी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, उनको बेंगलोर में अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। सर बताइए किस तरह का आपका सम्मान हुआ और किस पद से आपको सम्मानित किया गया? ये सर इसका नाम है ऑल इंडिया अचीवर्स एंड रिसर्च एकेडमी न्यू दिल्ली, इन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया था। और मेरी ब्रांच है ऑफ्थल्मोलॉजी, तो ऑफ्थल्मोलॉजी के क्षेत्र में आपने जो एक्सीडिंगली ज़्यादा काम किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है ऊपर वाले की प्लेस, उसमें एक वो लोग गोल्ड मेडल देते हैं और साथ में एक मेमेंटो देते हैं और एक सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं। वर्षों से आप रुग्णों की सेवा कर रहे हैं, पेशेंट की जी, आपको एक खिताब काफ़ी वर्ष के बाद मिला जी, जी आपको जी, कैसा महसूस हो? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। एक्चुअली क्या है, ऐसे अवार्ड मिलते रहते थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कलेक्टर ऑफिस से, जो हमारी अंधत्व निवारण समिति रहती थी ना, नेशनल जो प्रोग्राम की समिति है उसकी, जो वहाँ से हमें कलेक्टर ऑफिस से हमेशा मुझे मिलता ही रहता था। कम से कम 3 बार मुझे मिल चुका है। और मैं रोटरी में भी था 27 साल, रोटरी ईस्ट में, रोटरी इंटरनेशनल का मैं मेम्बर था, उसमें भी मुझे बेस्ट रोटेरियन करके सिल्वेस्टर शीले अवार्ड बोलते हैं उसको, सिल्वेस्टर शीले, वो उनको दिया जाता है भाई जिन्होंने एक्सीडिंगली बहुत अच्छा काम किया मेडिकल फील्ड में या नॉन मेडिकल जो भी ब्रांच है उनकी, तो उसमें मुझे ये दिया हो गया था। और तीसरा मुझे ये वाला चांस मिला अभी इस बार, तो इन्होंने मुझे सम्मानित किया बेंगलोर में होटल सिटाडेल में हुआ था, 7 जून को ये प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर। आपको जो सम्मान मिला उससे काफ़ी खुशी की लहर है पेशेंटों को भी। या तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेशेंटों का बहुत धन्यवाद दूंगा, मेरे गुरुओं का, मेरे रिश्तेदार, खासकर मेरा लड़का, बहू, मेरी पोती और मेरी मिसेस प्रीति, और ख़ासकर पेशेंट्स। बहुत सीखने मिलता है, बहुत प्यार मिलता है पेशेंट से, मान भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, सब चीज़ें मिलती है और आदर भी दिया उन्होंने, बहुत सी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा कि ये सब उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ, पेशेंट्स के कोऑपरेशन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ। और मेरे स्टूडेंट्स, उन्होंने भी मुझे हमेशा मान सम्मान दिया। ये अच्छा मौका था मेरे लिए कि भाई इस तरह का सम्मान मुझे मिला है। सर आप इतने सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हो, जो तो ये बताइए कि आप ये जो सेवा भाव जो कर रहे हो इसमें क्या कैसे खुशी महसूस करते हो? नहीं, इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको जब आप किसी नीडी आदमी को करते हो, वो ज़रूरतमंद है और ज़रूरत की वजह से आया है आपके पास, और आपको जब मौका मिलता है सेवा करने का, कुछ भी करने का, ऑपरेशन हो, एडवाइस हो या किसी भी टाइप की मदद हो, तो उसमें आपको बहुत खुशी मिलती है कि भाई आप कुछ कर पाए किसी के लिए। वो भी एक इंसान है, एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। सर ये सम्मान किसके हाथ से मिला? ये सम्मान एक्चुअली वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर रह चुके हैं कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन एनर्जी जो बोलते हैं, मिस्टर राव, उनके हाथ से ये सम्मान मुझे मिला। कहाँ पे मिला है? ये बेंगलोर होटल सिटाडेल। कब मिला है? ये 7 तारीख को है, 7 जून बेंगलोर में। सर ऑरेंज सिटी से आपका ही सिलेक्शन हुआ ये अवार्ड का? या ये सब खुशी की लहर है। जी जी जी। आप आगे चल के रुग्णों के प्रति? ऑरेंज सिटी के अलावा सर ये महाराष्ट्र में भी पहले ही था, यानी महाराष्ट्र में क्या रहेंगे आगे? मैं चाहता हूँ कि जितनी मुझमें ऊपर वाला शक्ति देगा, भगवान जितनी हिम्मत ताकत देगा, उतना मैं और ज़्यादा करूँ, इतना कर सकता हूँ उतना और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें लोगों के लिए, रुग्णों के लिए, पेशेंट्स के लिए, तो उसमें मेरे अच्छा लगेगा। और ये थे हमारे साथ हेमंत छाबरानी जी, डॉक्टर हेमंत छाबरानी जी, उन्होंने दिल खुला संवाद किया हमारे। इसके बाद भी हमारे साथ में रहेंगे, हमारे साथ और भी रहने वाले SRTV के साथ, IBM TV 9। और सर मेरे IBM TV 9 और SRTV की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपको और भी पुरस्कार मिले और आप रुग्णों की सेवा करते हैं। सेवा में अपना जीवन समर्पित करना। थैंक यू सर, थैंक यू।